जय माता दी दोस्तों, जय माता दी। तो आज है रामनवमी और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो फाइनली एक्चुअली मैं आपको बताऊं, नवरात्रि के 9 दिन जिसमें कि 8 दिन व्रत रखा जाता है, तो मैं तो व्रत नहीं था, मैं तो ऐसे था जैसे फर्स्ट डे रहे और अष्टमी वाले दिन। लेकिन ज्योति का पूरे नवरात्रि का व्रत है, तो आज आपको भी पता है कि कन्या पूजन होता है रामनवमी के दिन, तो आज हमारे घर पर भी तो आ चुकी है नौ देवियां आ चुकी है। एक्चुअली बाहर ही है, हम पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी कन्या पूजन हम लोग कराने जा रहे हैं। तो ज्योति का जो व्रत है, मैं अपना नहीं कहूँ क्योंकि मैंने तो पहले दिन और आखिरी दिन रखा। ज्योति का जो नवरात्रि का व्रत है 9 दिन का, वो तभी संपूर्ण होगा और किसी का भी हो तभी पूर्ण माना जाता है, तब हम कन्या भोजन करा देते हैं उसके बाद। तो आज हम अपने यहाँ पर कन्या भोजन कराने जा रहे हैं। वैसे हमने लास्ट टाइम भी कराया था और उसकी वीडियो हमने अपलोड की थी, तो उस पे आप लोगों का काफी सारा अच्छा रेस्पॉन्स आया था, तो उसके लिए सच्ची बहुत सारा दिल से आभार आप लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आप सब लोगों का आभार। अभी 6 महीने पहले ही वो वीडियो हमने अपलोड की थी और इस वीडियो में आप चीज आप एक ही दिन में ही ट्रेंडिंग में चली गई थी, मतलब हाँ एक ही दिन में ट्रेंडिंग में गई थी। लेकिन उस वीडियो में एक खास चीज है जिसमें कि हम कन्या पूजन करा रहे हैं, उसमें जो बच्चे कन्या पूजन करने के बाद में ज्योति को जो आशीर्वाद दे रहे हैं ना, उसे ध्यान से सुनिएगा और देखना कि बच्चों का जो आशीर्वाद होता है, जो हमारे कन्याएं आती है ना, कन्या आए लांगुर आए जो भी आते हैं ना, और जो वो दिल से एक बार बोल रहे छोटे बच्चे, जब हमने वो वीडियो अपलोड की थी ना, हमने उसमें कुछ नहीं बोला था बच्चों को कि आपको कुछ बोलना है, नहीं कुछ भी नहीं बोला, ऑटोमेटिकली बच्चे आजकल के तेज होते हैं, वो अपने आप आशीर्वाद दे रहे थे ज्योति को, तो आपको पता चलेगा अपने आप आशीर्वाद दे रहे थे, अपने आप बोल रहे थे उनको जो बोलना है, तो वो जरूर देखना। और वीडियो बहुत अच्छी है, इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज उस वीडियो को भी देख लेना। तो चलिए देर नहीं करते, हम पहले कन्या भोजन कराते हैं और आप वीडियो में बने रहिए। जय माता दी। जय माता दी।